हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। गणेश प्रतिमा मिट्टी के गणेश, एक निवेदन एक प्रयास, प्रण ले पहल करें। थार नगरी बाड़मेर, जिला मुख्यालय स्टेशन रोड, मिट्टी के गणेश गमले में विसर्जन के तहत। इस योजना का उद्देश्य अगले वर्ष अधिकतम लोगों द्वारा मिट्टी की मूर्ति स्थापित कर घर या महोत्सव पंडाल में ही गमले में ही विसर्जन किया जाए, ऐसी जागरूकता लाने का प्रयास की पहल है। आशा करता हूँ अगले साल सभी नागरिक मिट्टी की प्रतिमा लाएंगे और पर्यावरण को बचाएंगे और साथ ही गणेश जी का मान बढ़ाएंगे। कमल सिंघल ने गणेश चतुर्थी को मिट्टी के गणेश की प्रतिमा बनाकर गणेश स्थापना प्रतिष्ठान जोधपुर मिष्ठान भंडार पर करेंगे। 11 दिवस गणेश महोत्सव के बाद अनंत चतुर्दशी पर पर्यावरण और विसर्जन के बाद प्रतिमा की होने वाली दुर्दशा को देखते हुए एक नई शुरुआत पिछले साल से ही की गई, जो कि इस साल और आगामी सालों में सभी ऐसा करके प्रयास में प्रतिष्ठान के बाहर ही प्रतिमा का विसर्जन गमले में कर एक पौधा लगाने का निर्णय किया। उसकी पहल करते हुए पहले गणेश जी की आरती कर मोदक का भोग चढ़ाएंगे, फिर उनको पोटली में मोदक, पंचमेवा, दुर्वा और सिक्का रख गणेश जी मूर्ति स्थापित करेंगे। बाड़मेर नगर वासियों से कमल सिंघल ने मिट्टी के गणपति बनाकर देंगे। उन्होंने बताया इस वर्ष करीब 20 लोग गणपति प्रतिमा निर्माण हेतु अपने घर मिट्टी ले जाकर अपने हाथों से मूर्ति का निर्माण किया और उन्हें गमले में विसर्जन कर एक पौधा लगाने हेतु सभी को एक एक पौधा समर्पित कर पर्यावरण और भक्ति का नया अध्याय आरंभ किया। कमल सिंघल ने सभी से अपील की, आप और हम मिलकर संकल्प लें, नागरिक मिट्टी की प्रतिमा लगाएं और पर्यावरण को बचाएंगे और साथ ही गणेश जी का मान बढ़ाएंगे। 3 साल से मिट्टी के गणेश बनाकर स्थापित करेंगे, उसे घर में ही गमले पौधारोपण कर गणेश मूर्ति विसर्जन करेंगे। हम आप सब मिलकर आम जन संदेश देवे। जागरूक टीवी की बाड़मेर से ठाकुर राम मेघवाल की रिपोर्ट।